उलगुलाल के बाद अब झारखंड में चुनावी बिगुल फूकेंगे पीएम मोदी, अमित शाह भी देंगे साथ। इन दिन से शुरू होगा कार्यक्रम। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज, ये न्यूज चैनल नहीं आपकी आवाज है, आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है, हम करते हैं सबको खबरदार। रविवार को रांची में हुई आरएनटीआई की रैली में विपक्ष के नेताओं ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। अब भाजपा भी रांची में पीएम की रैली कराने की तैयारी में जुटी है। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत रांची से कर सकते हैं। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम मई के पहले हफ्ते से हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत झारखंड में रांची से कर सकते हैं। रविवार को झामुमो कांग्रेस गठबंधन की उलगुलाल रैली के बाद प्रदेश भाजपा बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की संभावनाओं पर काम प्रारंभ कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह भी कर सकते हैं राज्य में रैलियां। प्रधानमंत्री की संभावित रैली में झामुमो सरकार के भ्रष्टाचार और सनातन के विरोध जैसे मुद्दे प्रमुखता से उठाए जाएंगे। उलगुलाल रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पंजाब के सीएम भगवंत मान जैसे नेताओं के आने के बाद भाजपा कार्यकर्ता भी जवाबी कार्यक्रम की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह की भी राज्य में बड़ी रैलियों की योजना बनाई जा रही है। रांची में खूंटी और लोहरदगा के लिए भी होगा कार्यक्रम। भाजपा के 3 लोकसभा सीट का एक क्लस्टर बनाया है। प्रधानमंत्री या किसी दूसरे बड़े नेता के कार्यक्रम में रांची, खूंटी और लोहरदगा क्षेत्र से भी लोगों को लाया जाएगा। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए अभी तिथि की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन मई के पहले सप्ताह में कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। आईएनडीआई की रैली में भाजपा पर हमला, ईडी के हाथों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के विरोध में रविवार को रांची में हुई आईएनडीआई की रैली में विपक्ष के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्र सरकार और भाजपा पर जमकर हमला बोला। लालू और शिबू सोरेन को किसने भेजा था जेल? बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि उनके पिता लालू प्रसाद यादव को भी जेल भेजा गया। आईएनडीआई के नेताओं के बार पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. गुरुचरण पासवान ने पलटवार किया है। उन्होंने सवाल किया है कि लालू यादव और शिबू सोरेन को किसने जेल भेजा था। साथ ही जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस ने अब राजद और झामुमो जेल में डालने वाले गलबहियां कर रही हैं। उलगुलाल रैली में 5 साल का रिपोर्ट कार्ड दें झामुमो पासवान। हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल का घोटाला सामने आया है। न्यायालय के आदेश पर ये दोनों जेल में हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।